जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा मेरे, बस चले तो तेरी अदाएं खरीद लो, अपने जीने के वास्ते तेरी वफाएं खरीद लो, कर सके जो हर वक्त दीदार तेरा, सब कुछ लुटा के वो निगाहें खरीद लो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात बताओ, क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हो कि कोई पत्थर की मूर्ति किसी पुलिस वाले का हाथ मरोड़ कर कहे कि मुझे वहीं छोड़कर आओ जहां से मेरे को लेकर आए हो? यकीन नहीं होगा ना, लेकिन ये सत्य घटना है। ये घटना जालौर राजस्थान राज्य की है। ये एक ऐतिहासिक शहर है। ये जगह राजस्थान की स्वर्ण नगरी और ग्रेनाइट सिटी से प्रसिद्ध है। वहां पर किसी भक्त ने एक बड़े भाव के साथ राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया था। वहां पर राधा कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्तियां विराजित की गई। जिन्होंने मंदिर निर्माण करवाया था उन्होंने अपने बहू बेटे और पोते के साथ प्राण प्रतिष्ठा उत्सव बहुत बड़ा और आनंद के साथ किया। उनके पोते का नाम था सूरज। मंदिर बहुत शानदार बना और उसमें कुछ अलग ही भक्तिभाव था। अब ये सब तो बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे शहर को हिला कर रख दिया। अखबार में भी इसकी चर्चा हुई थी। अब हुआ क्या, एक रात को कुछ चोर उस मंदिर में आए। जितना चढ़ावा, आभूषण, श्रृंगार का सामान था वो सब उन्होंने एक पोटली में बांध लिया। फिर उन्होंने चमचमाती अष्ट धातु में भगवान राधा कृष्ण की जो प्रतिमा थी, मूर्तियां थी, उन्हें देखा और विचार किया कि ये तो बहुत महंगी बिकेगी, इसलिए उन्होंने उन शिव विग्रह को भी चोरी कर लिया। सुबह मंगला आरती के समय पंडित जी ने आकर मंदिर खोला तो वो हैरान रह गए। भगवान के शिव विग्रह के साथ चढ़ावा, आभूषण आदि सब सामान गायब थे। उन्होंने शोर मचाया, लोग इकट्ठे हुए, सभी बहुत हैरान, परेशान और दुखी थे। सभी लोग एकजुट होकर पुलिस थाने गए। पुलिस थाने में जाकर शिकायत कराई, पर पुलिस वालों ने उस समय तो बात रफा दफा सी कर दी और FIR के नाम पर सिर्फ कंप्लेंट लिखकर सबको वापस भेज दिया। पर जब लोगों ने एकजुट होते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है ना। बात ऊपर तक गई, पुलिस पर धीरे धीरे ज्यादा प्रेशर पड़ने से बात को गंभीरता से लिया गया और चोरों की तलाश शुरू कर गई। पता चला जो चोरों का गैंग था उसके कई राजनीतिक संबंध थे, इसलिए चोरों की जगह छोटे मोटे गुनाहगारों को ही जेल में बंद कर दिया गया। मूर्तियां और चोरी का सारा सामान मिल गया था, पर कार्यवाही के बाद ही उन्हें मंदिर को वापस सौंपा जा सकता था और पुलिस की कार्यवाही भाई जल्दी से तो होती नहीं। खैर, पंडित जी समेत सभी लोग पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे थे ताकि जल्दी मूर्तियां वापस मिल जाए, पर पुलिस अपनी कार्यवाही की वजह से मुश्किल में थी। जिन चोरों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया वो कभी अपने बयान से मुकर जाते, कभी कुछ होता तो कभी कुछ होता। कोर्ट की डेट पर डेट आ रही थी और जब तक फाइलें बंद नहीं होती तब तक चोरी किया सामान वापस नहीं किया जा सकता। इसी से सारा सामान और जो मूर्तियां थी वो पुलिस थाने में ही रखी हुई थी। 48 दिन के बाद एक अखबार में खबर आई कि जिन असली चोरों ने मंदिर से मूर्तियां चोरी की थी वो सभी एक मुठभेड़ में मारे गए। बहुत ही बुरी मौत हुई सबकी। लोगों ने जब ये खबर पढ़ी तो सब लोग यही कहने लगे कि अपनी करनी की सजा उन्हें मिली है। पर चोरों का तो जो हुआ सो हुआ, भक्त भी तो बड़े परेशान हो रहे थे। बहुत प्रयास किए जा रहे थे, बड़े बड़े लोगों से भी कहा जा रहा था और सब बोल रहे थे कि भाई हमें जल्दी से जल्दी मूर्तियां वापस मंदिर में प्राप्त हो जाएं ताकि मूर्ति में वापस उन्हें स्थापित किया जा सके। लेकिन जब तक केस बंद नहीं होता तब तक चोरी का सामान वापस नहीं किया जा सकता और कोर्ट कचहरी के काम तो अपने हिसाब से ही चलते हैं। अच्छा, भक्तों का भाव देखो, जब से मंदिर सूना हुआ था तब से रोज खाली मंदिर में ही कीर्तन होता था ताकि प्रभु भक्तों की पुकार सुनकर जल्दी वापस आए। अब जिनके पूर्वजों ने मंदिर बनवाया था वो तो बहुत दुखी थे। उसी में एक थे सूरज भांजी। वो अब हमारे बीच नहीं है, पर उस समय जिस समय की घटना है उनकी उम्र 85 साल की थी। वो रोज मंदिर कीर्तन के लिए जाते थे।
अपने प्रभु को याद करते और उनसे वापसी की गुहार लगाते। धीरे धीरे बीतते बीतते 3 महीने का समय बीत गया। असली चोर भी यमपुरी पहुंच गए, पर प्रभु मंदिर में वापस ही नहीं आ रहे थे। एक दिन सूरज भांजी प्रेम भक्ति में विहल हो गए। कीर्तन करते करते ही जोर जोर से अपने राधा कृष्ण को बुलाने लगे। हे कृष्ण, हे राधा, हे मुरली मनोहर बोलने लगे। चेयर से गिर गए, लोगों ने उन्हें उठाया, संभाला, कोई पानी लेकर आया। सूरज भांजी की हालत खराब हो रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाए और बोले, नहीं पीना मुझे पानी। अब तो जब तक मेरे राधा कृष्ण मंदिर में वापस नहीं आते, मैं अन्न जल का एक दाना भी नहीं लूंगा। और फिर से जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। तुरंत ही पुजारी जी ने उनके बेटे को फोन किया और सूरज भांजी की हालत बताई। बेटा भी डर गया, वो तुरंत ही मंदिर पहुंचा, अपने पिता को शांत कराने की कोशिश करने लगा, पर वो आज कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए थे। उन्हें संभाला पर उन्होंने पानी नहीं पिया। अब तो वो अपने कान्हा से जिद पर ही अड़ गए थे। और शायद यही होता है, एक समय तक हम खुद से चीजें संभालने की, करने की कोशिश करते हैं, पर जब नहीं कर पाते तब दोनों हाथ ऊपर करके समर्पण कर देते हैं। और शायद वो समय ही था जब सूरत भांजी ने पूरे मन और भाव से समर्पण कर दिया था। भक्त को अधिकार होता है अपने ईष्ट, अपने प्रभु से गुस्सा होने का। और विश्वास रखो, मेरे कान्हा सब सह सकते हैं, पर अपने भक्त को गुस्सा नहीं देख सकते। कहते हैं अगले दिन ही सुबह 5 बजे DCP साहब, मतलब डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो थे, वो 2 कांस्टेबल के साथ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे सूरज भांजी के घर पर आए। घर पर आकर उन्होंने बेल बजाई। इतनी सुबह बेल की आवाज से सब हैरान हो गए। सभी उठ उठ कर अपने कमरों से बाहर आए। सूरज भांजी के बेटे ने गेट खोला। गेट खोलते ही वो हैरान हो गए। भाई, सामने DCP साहब के साथ 2 कांस्टेबल खड़े हुए थे। अब वो पूछने लगे कि क्या हुआ, आप यहाँ कैसे इतनी सुबह? तो DCP साहब बोले, सॉरी इतनी सुबह आपको परेशान करने के लिए, हम वो मूर्तियां वापस देने आए हैं। सूरत भांजी के बेटे की तो एकदम चीख से ही निकल गई, क्या मूर्तियां वापस करने आए हो? ये चमत्कार कैसे हुआ? अभी तो केस बंद ही नहीं हुआ है। तो DCP साहब बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, ठंड में भी उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। वो कुछ लड़खड़ाती सी आवाज में बोले, केस वेस सब मैं देख लूंगा, आप तो ये मूर्तियां संभालो। कहकर कांस्टेबल ने वो मूर्तियां टेबल पर रख दी। पुलिस वाले जाने को हुए तो सूरज भांजी का बेटा बोला, सर प्लीज अंदर तो आए, कुछ चाय वाय ले, आपको ऐसे खाली तो हम जाने नहीं देंगे, आपने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। DCP साहब बोले, नहीं नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस इन मूर्तियों को जल्दी से जल्दी मंदिर में स्थापित कर दो। सूरज भांजी का बेटा बोला, बिल्कुल सर, ये तो आज ही हो जाएगा, पर आप प्लीज बैठिए तो सही, और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, प्लीज हमें बताइए। DCP साहब अंदर आए और सोफे पे बैठ गए। उस समय उन्होंने जो बात बताई, बाई गॉड उसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। DCP साहब बोले, कल रात को जब मैं घर पहुंचा तो उसके बाद मुझे बड़ी बेचैनी सी हो गई, खाना भी नहीं खाया, डॉक्टर से चेक करवाया तो बोला सब ठीक है, पर मन अजीब सा हो रहा था। नींद की दवाई लेकर मैं रात को 12 बजे अपने बिस्तर पर सोने गया। मैं लेटा हुआ था, दवाई खाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ कस के पकड़ा हो और मेरा हाथ पकड़कर जोर से मोड़ दिया हो। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन मैं छुड़ा ही नहीं पा रहा था। एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये एक सपना है, पर नहीं, वो सपना नहीं था, मेरी आंखें खुली थी, मेरी मिसेस मेरे बगल में ही सो रही थी और अपना हाथ मुड़ते हुए मुझे दिख रहा था। मैंने जोर से बोला, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, कौन है यहां पर? उसी समय मुझे एक आवाज सुनाई दी जिसमें कोई कह रहा था कि थाने में रखी मूर्तियों को तुरंत ही मंदिर में पहुंचा दो, वरना मेरे साथ भी वही होगा जो चोरों के साथ हुआ। DCP साहब उस समय पसीने से लथपथ थे और आंखों से आंसू टप टप बहे जा रहे थे। DCP साहब बोले, ये ऐसा कुछ हुआ और आवाज आनी बंद हो गई और मेरा हाथ भी सीधा हो गया।
मैंने अपनी वाइफ को उठाया तो वो बोली कि उसे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उस समय मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा या मैंने कोई सपना देखा होगा, मैं नींद की दवाई तो खाई थी। ऐसे में मूर्ति कैसे मैं वापस कर सकता हूँ? कोर्ट लॉ वगैरह भी कुछ होता है, जब तक मैं सारा प्रोसीजर नहीं करूँगा कैसे करूँगा? और मेरा इतना बोलते ही वापस मेरा हाथ मुड़ गया और फिर वही आवाज़ मुझे सुनाई दी। मेरी बीवी को मेरा मुड़ता हाथ तो दिखा पर उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये भगवान की ही आवाज़ है। उसी समय मैं थाने गया और ये मूर्तियाँ लेकर सीधा आपके पास आ रहा हूँ। श्रृंगार का सामान, आभूषण और चढ़ावा आदि जो बाकी का बचा हुआ सामान है वो जल्द ही आपके पास पहुँचा दूँगा। डीसीपी साहब की बात सुनकर सबकी आंखें नम थी। सूरज भांजी के बेटे बोले, नहीं नहीं, उस सामान की कोई जल्दी नहीं है, हमारे लिए तो बस ये जरूरी था जो आप हम तक पहुंचा गए हैं। डीसीपी साहब बोले, अब आगे की कार्यवाही मैं स्वयं देख लूंगा और जल्दी ही केस को क्लोज कर दूंगा। आप बस जल्दी से इन्हें मंदिर में स्थापित करवाएं, अब तो बस यही मेरी इच्छा है। ये कह के डीसीपी साहब और कांस्टेबल वहां से चले गए। टेबल पर रखी मूर्तियों को देखकर सूरज भांजी बहुत प्रसन्न थे। परिवार में सभी बहुत खुश हो रहे थे। फोन करके शुद्धि, हवन, पूजा और भंडारे की व्यवस्था की गई और पूरे हर्षोल्लास के साथ मंदिर में वापस राधा कृष्ण प्रतिमा को विसर्जित किया गया। देखा आपने, ये है मेरे कान्हा की लीला। जब तक उन पर बात थी, 3 महीने का समय यूं ही निकल गया, पर जब बात उनके भक्त की हुई तो देख लो, 1 रात का समय भी नहीं दिया उन्होंने, है ना। इस घटना के बाद उन डीसीपी साहब ने क्लेश को जल्दी से जल्दी क्लोज करवाया और बाकी का सामान भी मंदिर में पहुंचाया। उसके बाद अपनी जॉब से इस्तीफा दे के वो कृष्ण भक्ति में ही रम गए। इस कलयुग में भी ऐसे दिव्य चमत्कार होते हैं, ये बात सुन लो, समझ लो और मन में बिठा लो। जब विश्वास सच्चा हो, भाव पक्का हो, प्रार्थना दिल से हो तो पुकार उस तक पहुंच ही जाती है और फिर वो चीजें हो जाती हैं जो दुनिया में असंभव है। और याद कर लो, असंभव काम को ही संभव करने वाले मेरे प्यारे कान्हा है, तो सही कह रही हूं। अब एक प्रार्थना, हे श्याम सुंदर, तुमने जिधर निहारा वही संसार बन गया, तुमने जो विचारा वही संस्कार बन गया। क्या करिश्मा था तुम्हारी नजरों में मेरे कान्हा, तुमने जिसे सवारा वही गुलजार बन गया। बोला वांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, मन में दर्शनों की तड़प भरी, शरीर में कुछ कंपन हुआ, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबका विश्वास अपने कान्हा पर पक्का करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।